नमस्कार, स्वागत है आप सबका डीएनएन में। मैं हूं डॉक्टर राकेश पाठक। सवाल तो पूछेंगे, मैं आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में दो दिन में हुई दो प्रेस कॉन्फ्रेंसों की। मध्य प्रदेश में दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दो दिन में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और पीसीसी चीफ कमलनाथ का अंदाजे बयां जानकारों के बीच चर्चा का सबब बन गया है। सीएम शिवराज ने जहाँ बीजेपी सरकार बनने का दावा किया, वहीं कमलनाथ ने 140 सीट के साथ सरकार बनाने की बात कही। लेकिन कांग्रेस में सीएम चेहरे को लेकर बयानबाजी और भावी मंत्रियों के नाम के पोस्टर के बाद ये सवाल भी फिजा में गूंजने लगे हैं कि ये कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस। आइए पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी शानदार बहुमत प्राप्त करेगी। मैंने तो कह दिया 140 से ज्यादा मिल रही है। सत्ता के शिखर के दो दावेदार, दोनों की अलग अलग शिकायतें और जीत के अपने अपने दावे। एक तरफ 13 साल पुरानी विरासत का भरोसा तो दूसरी तरफ नई इबारत लिखने का जज्बा। इस सब के बीच तस्वीर का वो रंग भी सामने आया जिसे समर्थक आने वाले समय की आहट बता रहे हैं। तो अधिकारियों ने और चुनाव आयोग ने भी ज्यादा सख्ती की तो भारतीय जनता पार्टी के साथ की। आचार संहिता के पालन के अतिरेक में कई बार आयोग ने अमानवीयता की। मैं उन्हें कहता था कि ये पैसे बांटने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आज की जनता, आज के लोग बहुत समझदार हैं। प्रशासनिक उपयोग दुरुपयोग करने का पूरा प्रयास किया, पर जो मुझे ज़्यादातर खबर है कि प्रशासनिक तंत्र था, उन्होंने पक्षपात नहीं किया। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी आवश्यकता आज के दिन है हमारा प्रजातंत्र जो है। प्रजातंत्र एक गर्व का विषय है। हमारा चुनाव आयोग तो दूसरे छोटे छोटे देशों को और बड़े बड़े देशों को तो सिखाने पढ़ाने जाते हैं। यही मैंने चुनाव आयोग को परसों कही थी बात कि आप अपनी छवि धूमल मत करिएगा, क्योंकि आपकी छवि एक अंतर्राष्ट्रीय छवि है। कांग्रेस के 229 प्रत्याशियों को मतगणना के लिए स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए बुलाई गई बैठक के बाद कमलनाथ ने कहा कि चुनाव बीजेपी और जनता के बीच था। उन्होंने साफ किया कि पार्टी ने गुजरात और कर्नाटक चुनाव की गलतियों से सबक लेकर मध्य प्रदेश में चुनावी जंग लड़ी। कमलनाथ ने कहा कि 11 दिसंबर के बाद प्रदेश नया इतिहास लिखेगा। कमलनाथ के बयानों पर बीजेपी ने निशाना साधा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के मतदाता ने अपना मत प्रदेश के हित में, प्रदेश के विकास के हित में दिया, एक नए इतिहास के हित में दिया, ये मैं मानता हूँ। इसीलिए मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि 11 तारीख को क्या परिणाम आने वाला। सर, मुंगेरी लाल को कौन मना कर रहा है? आपकी मर्जी, जितनी हसीन पिक्चर देखो, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस के नेता मुझे मिलते हैं, वो निगम बांट रहे हैं। कई तो मेरे पास पूछने आए थे, उधर पूछने आए थे कौन सा निगम ले, कौन सा निगम ले। अच्छा, हम सोच रहे हैं ट्रेनिंग कैंप लगाएं कांग्रेसियों का कि कौन सा निगम लेना चाहिए, कौन सा निगम मांगना चाहिए। तो बहुत सारे लोग लाइन पर रहेंगे सपने देखने के लिए, 11 तारीख तक कौन मना कर रहा है? कांग्रेस उत्साह से लबरेज है। उसका भरोसा है कि वो 15 साल का सत्ता का सूखा खत्म करने में कामयाब रहेगी। लेकिन नतीजों से पहले सीएम को लेकर समर्थकों की बयानबाजी और भावी मंत्रियों के नामों वाले पोस्टर देखकर ये सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस कहीं ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार तो नहीं हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनएन। मध्य प्रदेश में ओवर कॉन्फिडेंस की सीमा पार कर चुकी है। अगर आज कमलनाथ के बयानों और वहां लगे हुए पोस्टर और बैनर्स की बात की जाए तो कांग्रेस उम्मीद के साथ आसमान पर है। देखना होगा 11 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तो ये उम्मीदें किस तरह खरी उतरती हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 4 खास मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता डीके जैन साहब, आपका स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी, अवनीश जी आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे समूह के राजनीतिक संपादक, पॉलिटिकल एडिटर कृष्ण मोहन झा जी, आपका भी स्वागत है। अवनीश जी, आज तो आपकी पार्टी बल्ले बल्ले के मूड में दिखाई दे रही। आपके प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी इतनी सारी गंभीरता और विश्वास के साथ 140 सीटों का दावा कर रहे हैं,
जिस चुनाव आयोग पर और अधिकारियों पर कल तक शंका थी, अब वे कह रहे हैं बिना दबाव के अधिकारियों ने काम किया और सरकार बनने पर और क्या क्या करेंगे, बहुत सारी उन्होंने घोषणाएं कर दी। कोई खास इसका आधार अवनीश जी? स्पेशल ओकेशन था क्योंकि हमने सारे 229 सीटों के सारे प्रत्याशियों को बुलाया था। ये एक वर्कशॉप का हिस्सा था कि उनको बताना था, क्योंकि क्या है कि वो एक कहावत सुनी होगी ना कि दही का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो अब उसमें बात ये ऐसी है कि आपने देखा होगा कि कई सारे घटनाक्रम घटे हैं वोटिंग के बाद, क्योंकि कहीं की ईवीएम 48 घंटे बाद वहाँ जमा हो रही है, कहीं पंधाना जैसी जगह में वहाँ भी कुछ इस तरह की घटना हुई, 3 दिन बाद ईवीएम वहाँ जमा हुई। फिर आप देखें तो भोपाल का जो स्ट्रांग रूम है, भोपाल के स्ट्रांग रूम में भी 2 घंटे 1.5 घंटे जो लाइट गायब रही, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो आपका वीडियो रिकॉर्डिंग भी उसकी कुछ नहीं, कुछ फुटेज नहीं। पहले तक की शिकायत थी। तो देखिए मेरा सवाल ये है कि कमलनाथ जी बिल्कुल 140 सीटें बिल्कुल सरकार बनी तो कलेक्टरों के बदनाम बदल देंगे, बहुत आगे की बात नहीं लग रही। देखिए कमलनाथ जी ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक अपना जीवन जिया है जी। और एक अगर मतलब कल को अगर सरकार भी आती है जो कि आ रही है, तो उसमें देखिए उनका एक अपना तरीका है राजनीति करने का, क्योंकि वो कई सारे पदों पर जो व्यक्ति 9 बार सांसद रहा हो, कई बार केंद्रीय मंत्री रहा हो और जो व्यक्ति वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सदस्य रहा हो, तो मुझे नहीं लगता कि उनका एक अपना लहजा है कहने का, अपना एक तरीका, अपना एक कॉन्फिडेंस है। अच्छा, आपने भी देखा होगा कभी भी पत्रकारों को संबोधित करते हैं कोई प्रेस वार्ता में तो बड़े हल्के लहजे में कहते, कभी आपने उनके चेहरे पर ना तो गुस्सा देखा होगा ना शिकन देखोगी, वो जो भी होता है बोल देते हैं, चाहे वो कलेक्टरों की बात हो। तो एक उदाहरण पेश किया कि ये ब्रिटिश टाइम में ऐसा होता था कि कलेक्टर मतलब जो कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उनका उसके बकायदा उन्होंने उसका डिटेल बताया कि वो नाम कलेक्टर थे। वैसे आप तो कई पत्रकार बंधु ने यह भी कहा कि जो उत्तर प्रदेश में राज्यों में नहीं है, नहीं बोलते, तो वो चीज है। तो उन्होंने एक उदाहरण पेश किया था कि जैसे कलेक्टर नाम ऐसा कैसे है, ये जस्ट एक बात थी बताने की। बाकी रही उसकी बात कि उनका आपने जैसे कहा कि कांग्रेस में बल्ले बल्ले है, तो देखिए मैं आपको बताऊं, हम निश्चित तौर पे सरकार बनाने जा रहे हैं, 11 तारीख को दिन में 12 बजे ये डिसाइड हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है, और आप देखेंगे ऊंट कांग्रेस की तरफ ही बैठेगा, और निश्चित तौर पर हम 140 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे और हम सरकार बनाएंगे। कॉन्फिडेंस पर क्या सोचते हैं भाजपा पार्टी? कल मुख्यमंत्री की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यद्यपि उन्होंने 200 पार वाले अपने नारे पर कोई जवाब नहीं दिया, हम सब लोगों ने सवाल पूछे थे, कल मुख्यमंत्री निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन वे कह रहे थे हम अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। डीके जैन साहब, आपसे जानना यह है, ये जो आज कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है और कल मुख्यमंत्री का जो कॉन्फिडेंस था, इनमें कोई बेसिक फर्क आपको दिखाई दे रहा है और क्यों? इसमें एक बेसिक फर्क है, मुख्यमंत्री का जो कॉन्फिडेंस था वो रियलिस्टिक था जी, वास्तविकता की भूमि पर था, और कमलनाथ जी स्पेकुलेशंस के हिसाब से बात कर रहे हैं, वो अपना एक अंदाजे बयान, जैसा कि अभी बता रहे थे हमारे कांग्रेसी मित्र की वो दही से भी जल गए हैं, ये एक बड़ी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के इतिहास में एक बड़ी सी बात है। और छोटी सी बात है, मतलब इनका प्रधानमंत्री अगर 600 गांव बोल दे, 600 करोड़ मतदाता बोल दे, तो कोई दिक्कत नहीं। कल मतलब अब ये बड़ी आप बड़े कल 2 दिन में 1 दिन मुख्यमंत्री इतनी छोटी बात अगर आप प्रधानमंत्री जी ने, मैं तो उसको हाथ से बोल रहा हूं भाई, आप उसको इतनी तकलीफ दे रहे हो, आपको मुद्दा नहीं, आप इतनी छोटी बात मुझे ट्रोल कर रहे हैं, अपन मुद्दे बात कर, छोटी बात नहीं है, सॉरी फॉर दैट। चलिए, मैं तो एक हास्य की बात कर रहा हूँ आपसे, आप उसको गंभीरता से क्यों ले रहे हैं, आप उसको तनाव में क्यों ले रहे हैं, बोलने की क्षमता क्या है तो आप इतने तनाव में मत आए, आप उस चीज को, हाँ आप उसको उसी स्पिरिट से। मैं सीधे पूछ रहा हूँ, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि वे कलेक्टरों के पदनाम बदल देंगे, 140 सीटों के साथ सरकार बना रहे हैं। अब ये देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी को अपने सपने देखने की आजादी है, किसी के सपने के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, और कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो, इससे अच्छा तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में जनता की बल्ले बल्ले होना चाहिए, जनता के भविष्य का, एक सुखद भविष्य का निर्धारण हो इस चुनाव के माध्यम से। मैं तो चुनाव को लोकतंत्र में जनता की स्वीकृति समझता हूँ, फिर अगले 5 साल के लिए जनता हमें स्वीकृति दे कि हम उनका प्रतिनिधित्व करें और अच्छी योजनाओं के माध्यम से, समाज में अच्छे कार्य के माध्यम से विकास की ओर बढ़ें और जनता को समस्याओं को हल करने के लिए आगे आएं, यही है, जनता की बल्ले बल्ले होना चाहिए, योजनाएं अच्छी हों, उनका क्रियान्वयन अच्छा हो। लोकतंत्र के शुभ लक्षण आपने जन साहब बताए।
जो भी जीतेगा अंततः जीतेगी जनता ही, क्योंकि जनता अपने मन का आदेश मशीन में दर्ज करके आई है, जो 11 तारीख को निकलेगा। दिनेश गुप्ता जी के पास चलते हैं। दिनेश जी, अभी कमलनाथ जी ने कहा आपने जैसा कि सुना बाइट में कि ये जनता वर्सेस बीजेपी चुनाव था, यानी वे खुद भी मान रहे हैं कि उनकी पार्टी ने कोई बहुत बहुत अच्छा चुनाव अपनी तरफ से नहीं लड़ा, यानी जनता बीजेपी के प्रति इतनी असंतुष्ट थी जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, तो क्या सचमुच ये चुनाव जनता विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी था? जी, ये कमलनाथ जी ने आज पहली बार नहीं कहा, पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये कहते रहे कि ये चुनाव जनता वर्सेज भारतीय जनता पार्टी है, आज कोई नई बात उन्होंने नहीं कही है। और देखिए, आप 6 महीने पहले की कांग्रेस देखिए और आज की कांग्रेस देखिए, जब अब की बार 200 पार का जब नारा दिया गया था तब कांग्रेस बिखरी हुई थी, कांग्रेस के नेता एक टेबल पर बैठ के बात करने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब जब देखेंगे कि 6 महीने में पूरा सिनेरियो बदला कांग्रेस का, आप जो है कह सकते हैं इसको बड़ा नाटकीयता से जो है सारी चीज़ें हुई, कमलनाथ जी आए, सिंधिया जी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया, दिग्विजय सिंह को कोऑर्डिनेशन के लिए लगाया, तो 6 महीने में जो 15 साल से कांग्रेस मरी हुई थी उसको इस लायक बनाना कि वो चुनाव मैदान में उसकी उपस्थिति दिखे और प्रभावी उपस्थिति दिखे जी। ये कमलनाथ जी की सबसे बड़ी सफलता है कि उन्होंने ये दिखा, और ये तब तक संभव नहीं था जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा चेहरा उनके पास नहीं होते, क्योंकि क्राउड प्लर भी एक चाहिए आपको, या स्ट्रेटजी या कोऑर्डिनेशन के लिए दिग्विजय सिंह जैसा फेस भी आपको चाहिए। जो ये जो एक कॉम्बिनेशन था, उस कॉम्बिनेशन ने आज हालात ये कर दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी 200 पार का नारा भूल चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने भी जवाब नहीं दिया उन्होंने कि हम बहुमत के साथ जीत रहे हैं, जो नारा सबसे पूरे चुनाव में गूंजा वो भूल गए थे। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि राकेश भाई पूरे गली गली में प्रदेश भर में एक सामान्य ये चर्चा है कि बदल गई या सरकार चेंज हो रही है। इस तरह की जो जनश्रुति कह लीजिए, आप जन चर्चाएं कह लीजिए, उसमें स्वाभाविक तौर पर कोई भी व्यक्ति उत्साहित हो सकता है। तो उत्साह में दिनेश जी वे कह रहे हैं कलेक्टरों के बदनाम बदल देंगे, ये बहुत आगे चले गए हैं वो, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी में है। हाँ, मतलब ये आप क्या है कि वो भले ही इतने परिपक्व और जो है बुजुर्ग राजनेता है, तो कुछ चीजों को जो है आप नतीजों के बाद के लिए भी रखना चाहिए। अब ये मुझे पता नहीं वो किस संदर्भ में उन्होंने कहा है, किसी ने हो सकता है कि किसी पत्रकार ने कोई सवाल पूछा हो तो अपन उस पर कह दें कि नहीं उन्होंने ऐसा, तो कई बार संदर्भ भी होता है, कोई राजनेता जवाब दे देता है लेकिन हम उसका संदर्भ जो है उसको नहीं देख पाते। चलिए कृष्णमोहन झा जी, वही सवाल आपसे, कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है ये? और कल आप मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे, आपने उनका कॉन्फिडेंस भी देखा, ये जो दोनों के कॉन्फिडेंस में जो अंतर है, दोनों के जो आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं एक बारीक फर्क दोनों में दिखाई दिया, इसे कैसे रेखांकित कर रहे हैं आप? आपका बड़ा तजुर्बा है चुनावों का, हार जीत से पहले की। देखिए राकेश जी, दिनेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो कमलनाथ जी ने आज जो बात कही वो 6 महीने से कह रहे हैं, यानी कांग्रेस कहीं फाइट में थी ही नहीं, यानी आप भाजपा और जनता के बीच में, और जनता ने क्या किया, क्योंकि हमने और आपने तो और लंबा अनुभव, मैंने लगभग 93 से चुनाव देखे हैं, बहुत करीब से देखे, और कोई भी यानी 98 तक का जो चुनाव था जिसमें एक तरफा लग रहा था कि बीजेपी लीड करेगी और एंड टाइम पे वो दिग्विजय सिंह के पाले में चले गई थी, तो आप और उसके बाद फिर देखिए कि जो शाइनिंग इंडिया का जो नारा चला पूरे देश के अंदर, वैसा लगा कि 2004 में जल्दबाजी में लोकसभा चुनाव करा दिए गए थे और उसमें भी लगा था कि नहीं सरकार तो बिल्कुल अटल जी फिर से बनाएंगे, पूरी तैयारी थी, लेकिन जिस ढंग से यूपीए की वापसी हुई थी तो ये चमत्कारिक थी। लेकिन आप जिस ढंग से आज कमलनाथ जी, चूँकि कमलनाथ जी जैसा दिनेश जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि बहुत परिपक्व राजनेता हैं, इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहे हैं, लेकिन जो बहुत आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं, उनका ये कहना कि भाई कलेक्टरों के नाम बदल दिए जाएंगे, ये कर जाएंगे, तो ये मेरे को लगता है बहुत जल्दबाजी में, और जिस ढंग से अभी आज हमने आज देखा कि आज मंत्रियों के नाम तक लग गए, तो ये बहुत जल्दबाजी है। चूँकि आप देखिए कांग्रेस चुनाव लड़ी, दिनेश जी की बात से मैं बहुत सहमत हूँ, प्रतिस्पर्धा में आई है, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा के बाद में बावजूद भी जो प्रदेश से जुड़े मुद्दे थे, जन से जुड़े मुद्दे थे, उसको उठाने में असफल रही है, चाहे वो व्यापम का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, जिस ढंग से जिस दबंगता से उसको लेकर के लड़ना चाहिए था उसको लेकर लड़ी नहीं। और दूसरी बात आप एक बात और देखिए, भाजपा और कांग्रेस में जो बेसिक डिफरेंस जो दिखाई दिया इस चुनाव में वो ये था कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं था, क्योंकि आप कभी कमलनाथ कहते थे, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते थे, कभी दिग्विजय सिंह कहते थे, निश्चित रूप से जो तिकड़ी थी, तिकड़ी ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि दिग्विजय सिंह का जो उसमें जो साइलेंट रोल था, दिग्विजय सिंह ने जिस जैसे समन्वय स्थापित किया, यदि मैं कहूँ या अतिशोक्ति नहीं होगी, यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी होती है तो दिग्विजय सिंह की जो नर्मदा यात्रा है, नर्मदा परिक्रमा है, और उसके बाद जो समन्वय का जो उनकी एकता यात्रा है, कहीं ना कहीं सबसे कारगर रही। लेकिन उसके बावजूद मैं मानूंगा कि कांग्रेस जितना भी दम भर ले,
मेरे को लगता नहीं है कि कांग्रेस सही ढंग से इस मैदान पे रही है, और यदि मान लीजिए कुछ चमत्कार होता है तो जनता के द्वारा ही हो पाएगा। जनता के द्वारा चमत्कार होगा, कृष्ण मोहन झा जी कह रहे हैं। अवनीश जी, अभी हसन ने एक दो मुद्दे रेखांकित किए, किसानों का मुद्दा, व्यापम का मुद्दा। यद्यपि व्यापम आप पहले अजमा चुके हैं दो चुनाव में, जनता ने सुना नहीं आपकी उस बात। मुझे सर बड़ी हैरानी राकेश जी, ठीक है कृष्ण मोहन झा जी बड़े सम्मानी हैं, लेकिन मैं उनकी बात का सम्मान करते हुए उनको याद दिलाना चाहूँगा, किसानों का मुद्दा आप कैसी बात कर रहे हैं, कैसे नहीं उठाया गया। आप परसों ही 50 पैसे प्रति किलो में जो प्याज बिकी है आपकी रतलाम मंडी में, और 50 पैसे प्रति किलो में लहसुन बिका है, उसको जब न्यूज़, यही बात तो हम शुरुआत से कह रहे हैं। आपने देखा होगा मंदसौर का किसान आंदोलन, फिर उसके एक साल बाद राहुल जी की मंदसौर में किसान रैली, तो ये और क्या होता, और राजनीतिक क्या कर सकते हैं। ये जो चीज़ है जो किसानों की समस्याओं का था, हमने बकायदा उनको, आपने जो आंदोलन किया है आपको लगता है कारगर रहे जी? जा साहब पूछिए। हुआ, आप अपनी श्रुति याद करिए, वह आंदोलन आपका नहीं था, किसानों का ही आंदोलन था, तो उसमें आप कूदे। और मैं आपको इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, चुनावी कैंपेन के दौरान की बात कर रहा हूँ, जो आप जब जिस दिन से आचार संहिता लगी है उस दिन के बाद से जो आप चुनाव मैदान में गए हैं, तो आप दिखे नहीं तैयारी से, सब्जेक्ट को उस ढंग से कैश नहीं करा पाए। ये हम लोग जिसमें आप भले प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन ये हम लोग का अनुभव है उस चीज़ का। देखिए मुझे जहाँ तक अवनीश जी किसानों की बात हो जाए, फिर मैं एक और सवाल आपसे जी देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, किसान आंदोलन जबरदस्त तरीके, किसानों की जो भी आवाज़ थी वो कांग्रेस ने पूरी मजबूती से उठाई है इस प्रदेश में, पूरी मजबूती से उनकी समस्याओं को रखा है। तभी आप देखें किसानों के लिए भी जो इनका घोषणा पत्र आया भारतीय जनता पार्टी का, कई सारे इनको अमेंडमेंट करने पड़े। आप देखें हमारे वचन पत्र के बाद जो है, और रही व्यापम की बात, तो व्यापम एक ऐसा मुद्दा था कि व्यापम आप देखें, व्यापम हम आज भी व्यापम की बात करते हैं, और शायद अगर विपक्ष व्यापम नहीं उठाता तो भारतीय जनता पार्टी शिवराज सरकार का भी खुद व्यापम में अपने एक सीधा सवाल जी, जो तरह से सिंधिया की तस्वीर आज गायब हो गई, कांग्रेस कार्यालय का जो मानस भवन है उसमें इतना बड़ा होर्डिंग लगा, पूरे चुनाव अभियान में इधर सोनिया जी राहुल जी का फोटो होता था और इधर कमलनाथ और सिंधिया का, मतदान होने के बाद सिरे से गायब उनका। देखिए नहीं, आज जो था एक संगठन का काम था। आज देखिए प्रचार, चुनाव खत्म हो गए, प्रचार समिति के माननीय सिंधिया जी बहुत हमारे बहुत सम्मानी नेता हैं, वो प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं। तो आज आप देखें, आज जो था आप देखें, प्रचार तो खत्म हो चुका है, मतदान खत्म हो चुका है, अब जो था प्योरली एक संगठन का काम था कि संगठन के जो मुखिया हैं माननीय कमलनाथ जी, ये आज उनका काम था कि वो सारे प्रत्याशियों को बताएं कि 11 तारीख को क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। दिनेश गुप्ता जी के पास चलते हैं। दिनेश गुप्ता जी, आपने बहुत करीब से इस पूरे चुनाव अभियान को देखा, जो कांग्रेस की जुगलबंदी या तिकड़ी थी जिसका नाम तीनों के कमल झा साहब ने लिए, सिंधिया का चेहरा अचानक आज के दिन इस बड़ी मीटिंग में गायब हो जाना, किस रूप में ले रहे हैं आप इसको? क्योंकि आक्रोश दिखाई दिया कुछ विधायक, जो विधायक पद के जो दावेदार हैं जो चुनाव लड़ रहे थे, वे भी दुखी दिखे कि सिंधिया का फोटो हटा दिया गया। राकेश जी, क्या है कि आक्रोश स्वाभाविक है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि क्या है, आप भले ही आप एक या तो ये कह दीजिए कि चुनाव प्रचार समिति नहीं है, कांग्रेस दफ्तर में इससे पहले भी संगठन ने कई बैठक ली है, लेकिन उन्होंने तस्वीर नहीं हटाई है। अभी क्या है, पूरी जो सत्ता को हाईजैक करने की, या जिसे हम कह रहे थे ना कि ओवर कॉन्फिडेंस इस तरह से है कि हमें सत्ता मिल गई और इसको लेकर हम भाग जाए, ये जो प्रवृत्ति है, इसी प्रवृत्ति के कारण कांग्रेस 15 साल तक सत्ता से बाहर रही, और अभी भी वो उसमें सुधार नहीं हुआ है। भावी विधायक, भावी मंत्री के नाम से होर्डिंग लग गया कांग्रेस कार्यालय के सामने, लेकिन इतने मैच्योर पॉलिटिशियन के साथ आप जो है ये आप कहें कि ये आप बैनर पर फोटो नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने हर बार अपनी हर यात्रा में ये कहा कि हमारे दो नेता मैंने मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं और जनता के लिए यहाँ बिठा रखा है, वो है कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा नहीं होता तो मैं तो ये कह सकता हूँ, इस बात को मैंने देखा है कि कमलनाथ जी ग्राउंड लीडर नहीं है, वो जो है क्राउड पुलर नहीं है, वो नहीं। उनको जो है उनकी जो है मुरैना से लेके मंदसौर तक उनकी अपनी खुद की कोई
वो स्थिति हो, वैसा नहीं है। सिंधिया एक जो है लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव फेस है जी। तो इसलिए आप देखिए कि पूरे कैंपेन में सिंधिया को आगे रखा है। यदि आप कैंपेन को भी देखेंगे उठा के तो कमलनाथ से ज्यादा क्राउड जो है आपको सिंधिया के उसमें मिलेगा। ये तो वैसे कमलनाथ जी का काम तो पूरा मैनेज करने था, जो अध्यक्ष का काम होता है तो वो उन्होंने अच्छे से मैनेज किया। लेकिन इस स्टेज पर आकर आप अपनी जो अभिलाषा है, इच्छा है या कुछ भी जो महत्वाकांक्षा है, इस तरह से प्रकट नहीं करना चाहिए। अगले 4-5 दिन के लिए तो रोक ही सकते थे, बिल्कुल रोक सकते थे। कांग्रेस के किसी नेता से ये गलती हुई है तो उसको उसको करेक्शन करना चाहिए कि ये हमारी पार्टी में इस तरह की चीजें नहीं दिखना चाहिए। जी जी गुप्ता जी, डीके जैन साहब, कल मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव आयोग ने उस पर एक तरह से अमानवीयता बरती बीजेपी और उनके प्रति। अमानवीयता शब्द क्या उपयुक्त है, क्योंकि प्रशासनिक कार्रवाइयां, मान लीजिए उन्होंने एक उदाहरण दिया गमी में जाने का, 27 तारीख को, 28 को मतदान था। हम सब जानते हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया में मतदान के 24 घंटे पहले किसी भी बाहरी व्यक्ति को उस विधानसभा क्षेत्र में रहने नहीं दिया जाता, पुलिस सर्च करके बाहर करती है, तो इसमें अमानवीयता क्या हो? अब देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का अपना दृष्टिकोण है। कई बातें ऐसी होती हैं जो सामान्य परिस्थितियों से थोड़ी सी हटकर होती है। ये एक असामान्य परिस्थिति थी जब किसी निकट व्यक्ति का देहांत हुआ, उसकी गमी में जाना था, जहां सिरे से कोई राजनीतिक तो निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी भी नहीं, नहीं मांगी होगी, निश्चित मांगी होगी। नहीं, उन्होंने उसका उदाहरण भी दिया है कि मैंने उनको अप्रोच किया लेकिन उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया। और ऐसी परिस्थिति में जबकि विपक्ष जो है वो निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर आपत्ति दर्ज कर रहा है, उसको पक्षपातपूर्ण बता रहा है, तो मुख्यमंत्री का स्पष्टीकरण इस ओर इंगित था कि सख्तियां हमारे ऊपर भी की गई। आप मुख्यमंत्री जी का पूरा बयान देखें, उन्होंने कहा सख्तियां हमारे ऊपर भी की गई और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर आप पक्षपात का आरोप नहीं लगा सकते। यहां उन्होंने उस सख्तियों की पराकाष्ठा यह हुई कि उनको गमी में जाने से भी रोका गया। मुख्यमंत्री जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, एक जस्टिफाई करने के लिए। कैसा संयोग है कि जो कांग्रेस पूरे चुनाव अभियान में निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा करती रही, वही पार्टी उसके अध्यक्ष आज उसे बरी कर रहे थे, कह रहे थे अधिकारियों ने बिना दबाव के काम किया, कर्मचारियों ने बिना दबाव के काम किया, आज कहा है कमलनाथ ने। और जो बीजेपी निश्चिंत थी उसके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ने हम पे अत्याचार किए, अमानवीयता बरती। ये देखिए अचानक दोनों की तरफ से विरोध आवाज। राकेश जी, आप मुख्यमंत्री जी के बयान की आत्मा को समझने का प्रयास करें। वो निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को एक तरह से निष्प्रय और निष्पक्ष बताने का प्रयास कर रहे थे। उसी स्पष्टीकरण में उन्होंने ये उदाहरण दिया कि निर्वाचन आयोग ने अगर कुछ सख्तियां की है तो वो दोनों तरफ की पार्टियों पर, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर की है। तो चलिए, निर्वाचन आयोग तो बरी हो गया, दोनों ने उसको क्लीन चिट दे दी है जी। तो परिणाम अब जो भी हो, चाहे मशीनें 3-3 दिन तक घूमती रही हो, चाहे मतपत्र पुलिस हेडक्वार्टर के कैंटीन में मिले हो, लेकिन अब दोनों पार्टियों ने निर्वाचन आयोग को बिल्कुल बरी कर दिया है इस आरोप से। झा साहब के पास चलते हैं। झा साहब, मुख्यमंत्री का वो बयान अमानवीयता वाला, और इधर अब जो कांग्रेस रोना रो रही थी इतने दिनों से पूरे चुनाव अभियान में, उसने आज चुनाव आयोग और अधिकारियों, इस चुनाव प्रक्रिया में संबद्ध सभी अधिकारियों कर्मचारियों को एक तरह से कमलनाथ ने बरी कर दिया कि वे सत्ता के दबाव में नहीं आए। आप किस तरह देखते हैं? देखिए राकेश जी, जैन साहब ने बात कही, बहुत अच्छी बात कही जी। कहीं ना कहीं देखिए, जब आप हार जीत की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पर ठिकरा तो फोड़ा जाता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म दोनों ही पक्षों ने तैयार कर रखा था, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों चाहे वो कांग्रेस हो। जिस ढंग के कांग्रेस ने अभी तक ये कहा कि ईवीएम के साथ छेड़खानी हो रही है, निर्वाचन आयोग उनके साथ न्याय नहीं कर रहा है, और इसको लेकर के वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास भी दिल्ली में भी गया, सारी चीज़ें होती रही। तो एक पूरी प्रक्रिया चलती रही लंबे समय से। और आप भी जानते हैं कि आपने तो बहुत अच्छा लेख भी लिखा कि 2009 में जो बीजेपी है उसने खुद लंबा विरोध किया था ईवीएम का। तो समय समय पर दोनों ही राजनीतिक दल जो है इस बात का, ईवीएम का जो सहारा हमेशा लेते रहे। तो मेरे को लगता है कि जिस ढंग से आज कमलनाथ जी ने क्लीन चीट दी है, तो उनको लगता है कि जो आज जो संकेत उनको मिले हैं, जैसा वो बार बार कह रहे थे कि जो कल एग्जिट पोल आने वाला है, तो आप जानते हैं कि एग्जिट पोल जमीन में कितना सच होता है कितना नहीं होता है, ये हमने कई बार देखे हैं। तो हो सकता है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उससे अतिउत्साही, अनिश जी से पूछ लेते हैं कि अचानक आज उनके प्रदेश अध्यक्ष ने ये एक तरह से क्लीन चिट चुनाव आयोग को और अधिकारियों कर्मचारियों क्यों दे दी? क्या ऐसा जो बता रहे हैं, उनके पास सर्वे एजेंसियों के फोन आए, SMS व्हाट्सएप मैसेज आए, रिंग बैक किया इत्यादि, तो क्या ये सिर्फ इसलिए क्या उन्हें लग रहा है सरकार हमारी बनी रही है, यानी आपकी सरकार बन रही, कांग्रेस पार्टी जीत ही रही है, तो क्यों अधिकारियों कर्मचारियों पर संदेह बाकी रखा जाए? तो आज ही बरी कर दो 11 तारीख से पहले। नहीं राकेश जी, देखिए वो जो उनका कहना था उस परिप्रेक्ष्य में था, क्योंकि कल CM शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि
चुनाव आयोग ने हमारे साथ अमानवीय व्यवहार किया है जी। तो कमलनाथ जी का कहना था, और ये कांग्रेस की परंपरा रही, कांग्रेस कभी भी संवैधानिक संस्थाओं पर, कभी भी उनके अस्तित्व पर या उनकी ईमानदारी पर शक नहीं, प्रश्न नहीं उठाती। हाँ, हमारी जो आपत्ति हम वो दर्ज कराते हैं, लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि सीबीआई तोता है। आपको याद हो पुराने इनके शब्द अगर याद हो, ये हमने आज भी नहीं कहा कभी भी। हाँ, हम अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं कि इसमें जांच जो चल रही है इसमें हमें आपत्ति है, हम संतुष्ट नहीं है, हम चार बार अपील करेंगे। लेकिन हम कभी किसी भी संवैधानिक संस्था, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट रही हो, चाहे वो चुनाव आयोग रहे हो, चाहे वो आपके सीबीआई रही हो, हमने कभी भी किसी के लिए क्योंकि समय हमारे पास कम बच रहा है। दिनेश गुप्ता जी से एक आखिरी कमेंट ले लें। दिनेश जी, 11 तारीख को परिणाम आने वाला है, दोनों तरफ से चुनाव आयोग, खासतौर से प्रशासनिक पूरी मशीनरी और ईवीएम पर जो कलह चल रही थी, एक तरह से आज कमलनाथ ने उसे भी भरी कर दिया। नहीं, वो तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा, आपको वाइंड अप कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक्शन जहां लेना था, इलेक्शन कमीशन ने जो भी जस्टिफाइड एक्शन था वो हाईकोर्ट में भी गई, कांग्रेस हाईकोर्ट में भी गई है कांग्रेस, वो एक्शन ले चुके हैं। और जो जो भी ईवीएम मशीन का मामला है, वो उन्होंने एक कंप्लेंट की, इलेक्शन कमीशन ने उसको अटेंड किया और जो एक्शन हुआ वो हो गया। मुख्यमंत्री जी ने भी, मुझे ऐसा नहीं लगता उन्होंने ये जो है कोई आरोप लगाया है जी। उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया वो हम ये कह सकते हैं वो शायद उदाहरण, मुझे ऐसा लगता है कमलनाथ जी की जो प्रवृत्ति है थोड़ा सा वो मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। अगर हम हार रहे हैं तो ईवीएम का दोष था, और हम जीत रहे हैं तो ईवीएम निष्पक्ष है, ये दृष्टिकोण है उनका। देखिए, ये दृष्टिकोण किसका क्या सही साबित होता है, कौन गलत साबित होता है, ये 11 दिसंबर को दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश का चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, यद्यपि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ है, कल आखिरी चरण का मतदान राजस्थान में होना है। 5 बजे के बाद, आधा घंटे के बाद एग्जिट पोल भी आना शुरू हो जाएंगे, देखना होगा एग्जिट पोल का पिटारा क्या सामने लेकर आता है, और 11 दिसंबर को नतीजे किस रूप में दोनों पार्टियों के सामने आते हैं। तो कांग्रेस का आज का कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस, और एक दिन पहले मुख्यमंत्री जी का आत्मविश्वास शिवराज सिंह चौहान का, दोनों अभी तो समय के गर्त में हैं, समय आने पर पता चलेगा कि कौन सही था और कौन गलत। आज की इस पर चर्चा में बस इतना ही।